Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. तो अरियंत कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज़ चैप्टर नंबर एट ऑफ दिस बुक सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे रिविजन पर्पज से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो ठीक है आपको अटैम्प्ट करने सभी क्वेश्चन और आपको जो है एक एनालिसिस करना है अपना अपना कि आपको कितने क्वेश्चन इनमें से आते हैं ठीक है तो so, स्टार्ट करते हैं मैं नेक्स्ट देरी के आगे मिनट इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तो स्टार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रैफर्ड टू एज कंप्यूटर डैश तो वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती है कि हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क जो आपके प्रोसेसिंग टास्क हैं उनको कैसे कैरी आउट करना है वो आपकी रैफर्ड होती एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स ठीक है उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं ठीक है कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होती हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क सो ऑप्शन नंबर वन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू अ सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर वट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड वट तो सेट ऑफ रूल्स का आपको नाम बताना है फॉर टेलिंग द कंप्यूटर वट ऑपरेशन टू परफॉर्म सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइव विच इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है एक सेट ऑफ रूल्स होती है फॉर टेलिंग द कंप्यूटर वेशन टू परफॉर्म नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिज्म ठीक है इनमें से कौन सी टर्म आपको बतानी चूंकि डिफाइन करती है कंटेन uh, करती है स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स को जो कि एक्सप्रेस करती है लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिजम सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज़ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कंटेन करता है कुछ एक स्पेसिफिक रूल्स ऑफ वर्ड्स को जो कि एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम क्वेश्चन नंबर फोर है अ डैश प्रोग्राम इज़ वन दैट इज़ रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी एल्टर्ड इन एनी वे सो दिस प्रोग्राम इज़ कॉल्ड

कंपेटिबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम की कंपेटिबिलिटी को देखा जाता है विद अदर सॉफ्टवेयर इन दिलेक्शन ऑफ सोर्स लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर सिक्स है लैंग्वेज विच कैन ईजली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड तो वो लैंग्वेज जो कि आपकी इजिली इंटरेक्ट करती है विद हार्डवेयर दिज आर कॉल्ड वट दिज आर कॉल्ड दो लेवल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन है मशीन लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज आपको बताने की क्या होती है तो मशीन लैंग्वेज Is the language in which programs were first written is the only language understood by the computer and differs from one type of computer to another. तो ऑप्शन नंबर फोर हमारा राइट right आंसर हो जाएगा ये सभी जो है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो इज़ फीचर ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज तो वन एंड ज़ीरो आपको बताना ये कॉम्बिनेशन जो है uh, ये फीचर है ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थ्री मशीन लैंग्वेज में हम वन एंड जीरो या आपकी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया है ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक डैश तो ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर में इसका जो है यूनिक क्या होता है यूनिक आपका मशीन लैंग्वेज होती है ठीक है ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर में यूनिक मशीन लैंग्वेज आपकी यूज़ की जाती है ऑप्शन नंबर टू इज़ दी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन पूछा गया है ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट डैश तो सभी कंप्यूटर क्या एग्जीक्यूट करते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स ठीक है ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स क्वेश्चन नंबर इलेवन है द लैंग्वेज विच कैन बी रीलोकेट ईजिली तो कौन सी लैंग्वेज है जिसे ईजिली री किया जाता है ठीक है सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू विच इज़ असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है इट कैन बी री लोकेट ईजिली नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व असेंबली लैंग्वेज डैश तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है राइट uh, आंसर right इसका ऑप्शन नंबर वन है इट यूजेस अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज इन मशीन लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है यूज़ होते हैं अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स बाइनरी नंबर्स कौन से जीरो वन आपके जो है ये कॉम्बिनेशन जो है जीरो वन ये बाइनरी आपके नंबर्स हैं तो इनकी जगह पर अफाबैटिक कोड्स को यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच लैंग्वेज इज सी पी ओ डिपेंडेंट इनमें से कौन सी जो है वो सी पी ओ डिपेंडेंट लैंग्वेज है सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू विच इज असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इज सी पी ओ डिपेंडेंट लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डैश सर्व्स एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम तो कौन सी लैंग्वेज है जो कि सर्व करती है एज अ ब्रिज बिटवीन द रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर वन विच इज़ मीडियम लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम इनमें से कौन सी जो है वो एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन विच इज़ हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर कैलकुलेशन इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर टू विच इज़ फॉर ट्रेन फॉर ट्रेन जो है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ मैथेमेटिकली ऑरिएटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम तो कौन सी जो है एक मैथेमेटिकल ऑरिएटेड लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है फॉर द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन इट इज Fortran क्वेश्चन नंबर एटीन है पूछा गया है Fortran stands for फॉर तो Fortran stands for फॉर ये आपकी एक लैंग्वेज है ठीक है uh, आपको बताना है कि uh, किसकी फुल फॉर्म क्या होती है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फाइव फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पूछा गया है द मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ एल्गोल इज तो एल्गोल का जो मेन एप्लीकेशन एरिया होता है वो आपका होता है क्या साइंटिफिक साइंटिफिक पर्पज़ के लिए ही आपकी यूज़ की जाती है नेक्स्ट है लिस्प इज़ डिज़ाइन फॉर लिस्प क्या है आप लिस्प जो है डिज़ाइन है किसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जी यू आई सी यू आई और ऑप्टिकल फाइबर के लिए सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर वन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिज़ाइन so, right की गई है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन लिस्प इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेयर लिस्प स्टैंड फॉर पहले आपको इनफॉर्मेशन ये याद रखनी है कि लिस्प जो है वो सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और लिस्ट स्टैंड फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट डज द सी ओ स्टैंड इन कोबोल कोबोल में आपको सी ओ की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी कि सी ओ का पूरा नाम क्या है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू इट इज़ कॉमन ओरिएंटेड ठीक है कॉमन ओरिएंटेड सी ओ का यहाँ पर आ, आ, आपकी आ, फुल आ, नेम बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल कोबोल की करैक्टरिस्टिक यहाँ पर कौन सी नहीं है नहीं आपको बताना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू इट इज़ वेरी एफिशियंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एक्ट एग्जीक्यूशन तो ये करैक्टरिस्टिक नहीं है कोबोल की नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डैश इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड तो इनमें से कौन सी जो है वो स्ट्रिंग ऑरिएंटेड है ठीक है, है पूछा गया है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू कोबॉल इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज़ तो कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है यहाँ पर दिया गया जो कि यूज़ होता है फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर टू विच इज़ कोबोल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाई डेनिस रिची इन डैश तो सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई थी बाय द डेनिस रिची तो कब की गई थी ये की गई थी आपकी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में ऑप्शन नंबर थ्री इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पूछा गया है सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय तो सी हमारी डैनिश रिची के द्वारा डेवलप की गई थी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये डेवलप की गई थी बाय द जर्नी जरनी स्टो, ठीक है इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पूछा गया है जावा इज रेफर टू एज अ डैश तो जावा को किस प्रकार से हम रेफर करते हैं एज अ हाई लेवल लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर लो लेवल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग मिड लेवल language. language. So right right answer answer. is 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 option Option number 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 It is the effort to as a high level Question है कंप्यूटर लैंग्वेज used ऑन इंटरनेट इज इज डैश तो इंटरनेट के ऊपर कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है सो राइट आंसर जावा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी है द लैंग्वेज यूज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स तो वेरियस गेम्स को डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो so ये होता है आपका ज़ावा का ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक एपलेट्स तो कौन सा आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी यूज़ होती है फॉर द स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एपलेट्स सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर वन जावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज और आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इनमें से कौन सी जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आपको एक टेबल मिलेगा वहाँ पर आपको लैंग्वेज फॉर्मेशन ईयर इन्वेंटर और साथ ही में वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है है या नहीं है तो वो भी दिया हुआ है तो आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हो ठीक है राइट right आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फाइव थ्री एंड फोर बोथ विच इज़ जावा एंड विजुअल बेसिक आर आती इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है तो राइट right आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री विच इज लोटस लोटस इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है पूछा गया है सी बेसिक कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज तो किस प्रकार की ये लैंग्वेजेस हैं ये आपको बताना है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव डैश इज द रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शंस तो कौन सा जो है एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ अ कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स फंक्शंस तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फाइव विच इज डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स पूछा गया है ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड वट तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं असेंबलर ऑप्शन फाइव इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है द डैश प्रोग्राम इज़ यूज टू कन्वर्ट निमोनिक कोड टू मशीन कोड तो कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए टू नुमानिक नुमानिक कोड टू मशीन कोड सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फोर असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट uh, करने के लिए नुमैनिक कोड को मशीन कोड में क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज तो असेंबलर का फंक्शन क्या होता है तो असेंबलर का फंक्शन होता है टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इंटू मशीन लैंग्वेज विच इज़ ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पूछा गया एन असेंबलर इज़ अ डैश असेंबलर क्या होता है असेंबलर एक मशीन डिपेंडेंट होता है ठीक है मशीन डिपेंडेंट होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है एन असेंबलर इज़ अ मशीन डिपेंडेंट क्वेश्चन नंबर फोर्टी है विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेंबलर तो यहाँ पर असेंबलर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है आपको बताना है तो सेकेंड स्टेटमेंट आप देखिए इट इट ट्रांसलेट द सी प्रोग्राम तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कंपाइलर इज द डैश कंपाइलर क्या है तो राइट right आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर फोर कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड ठीक है ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पूछा गया है कंपाइलिंग क्रिएट्स अ डैश तो कंपाइलर क्या क्रिएट करता है कंप्यूटर क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री है कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाउ एवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वट तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो रिटन होते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और जो ह्यूमन रीडेबल वर्जनस होते हैं इन प्रोग्राम्स के उन्हें हम क्या कहते हैं तो इन्हें हम कहेंगे क्या सोर्स कोड uh, नहीं फॉर थ्री थ्री है आपका राइट आंसर सोर्स कोड इज द राइट आंसर ऑप्शन थ्री नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आर लैंग्वेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ वाट तो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज जो हैं उनमें क्या होता है तो इनमें पाया जाता है आपका वट असेंबली लैंग्वेज ठीक है दिस आर कंसिस्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज जो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज हैं उनमें आपकी असेंबली लैंग्वेज पाई जाती हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेज़ सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर विच इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड तो प्रोग्राम में एरर को हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं बग ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है एरर विच अकर्स वेन प्रोग्राम ट्राई टू रीड फ्रॉम फाइल विदाउट ओपनिंग इट इट इज क्लासीफाइड एज वाट सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन एग्जीक्यूशन एरर मैसेज ये आपका एग्जीक्यूशन मैसेज एरर मैसेज होता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पूछा गया अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स फॉर अकम्पलिशिंग अ टास्क इज नॉन एज तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं एलगोरिदम ठीक है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपका एक एल्गोरिदम होता है फॉर द एकम्पलिशिंग ऑफ अ टास्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन पूछा गया डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री विच इज रिज़र्व वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पूछा गया है अ डैश इज़ अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन विच इज सीडो कोड सीडो कोड जो है क्रॉस होता है बिटवीन द ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है पूछा गया है इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजली कॉल्ड तो प्रोग्रामिंग में जब हम स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं ठीक है वो आपका क्या कहलाता है तो ये आपका कहलाता है लूपिंग ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज़ दी राइट आंसर तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का आई होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट uh, विंडोज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, हैं। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग